जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल लर्निंग विषया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिवाली आ रही है और दिवाली पर हमें ब्रोकेट की या वेलवेट की पोशाकें ठाकुर जी के ऊपर बहुत अच्छी लगती हैं। तो आज इसमें हम आपको ब्रोकेट की एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाना सिखाएंगे। ड्रेस हम 6 नंबर के ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। 5 और 6 नंबर दोनों के नंबर के ठाकुर जी को बहुत आराम से आ जाएगी। तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए मेहमान है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे राइट सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, उसके बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, 6 नंबर के ठाकुर जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं। देखिए, एक डायमीटर कट किया बुकरम का और बुकरम के डायमीटर को हमने 11 इंची लंबा 11 इंची चौड़ा कट करके गोल कट कर लिया है। ऊपर हमने अस्तर सेंटून का लगाना है तो ये हमने सेंटून को लगा दिया। नीचे हमने आरकंडी को लगा दिया है। अब क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में यहाँ निशान लगा लेते हैं और यहाँ से ये सिलाई लगा करके यहाँ से यहाँ तक इसे सिलाई लगा लेंगे और अंदर की जो गोलाई है ना उसे कट करके निकाल देंगे। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक नाप लेते हैं। 4.5 इंची हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है ना वो आ रही है। इसके लिए देखिए, हमने पट्टियाँ कट की हैं। ये 5.5 इंची चौड़ी पट्टियाँ, 1 इंची हमने एक्स्ट्रा लिया है। दोनों पट्टियाँ ली हैं हमने, दोनों पट्टी कट कर ली हैं। अब एक कली पहले हम इसके लिए कट कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे आगे कैसे इसको करना है हमें। ये दोनों फैब्रिक को हमने रख लिया और लगभग हमें ये 4 इंची की एक कली हमें कट करनी है। तो 4 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाया, 4 इंच पे हमने यहाँ निशान लगाया और निशान लगाने के बाद इस तरीके से फोल्ड करके और कटिंग कर लेंगे हम पहले। और कटिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा ये 2 इंची आ रहा है और यहाँ पर हम इसे 1 इंची ही लेंगे। ये देखिए, 2 इंच को 1 इंच से इस तरीके से मिला देंगे और इसे हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसे रखेंगे जहाँ पर हमारा चौड़ा साइड है ये ऊपर, उसको पलट करके हमें रख देना है और इस तरीके से फिर से कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से करते हुए हमें सारी पट्टियों की, ये दोनों पट्टियों की हमें पूरी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, 18 लगभग कलियाँ हमारी बन गई हैं, एक इसमें से कट गई हैं। 9 हमारी ये कली कटी है, 9 ये कली कटी हैं। यदि हमारी कलियाँ कम पड़ेंगी तो हम 1-2 और काट लेंगे। अभी इनमें हमें सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से सारी कलियों को डबल करके यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इसको फोल्ड करेंगे सब कलियों को और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। वो हमने सिलाई लगा करके फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ किनारे से शुरू करेंगे इन्हें लगाना। यहाँ से सबसे पहले हमने एक पट्टी लगाई और यहाँ पे इस तरीके से रख के तिरछी सिलाई करनी है। उसके बाद एक ग्रे पट्टी लगाएंगे, सिलाई को दबाते हुए हम ये ग्रे पट्टी लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद इसे ग्रेस के सिरे को दबाते हुए हमें ये मस्टर्ड कलर लगाना है, फिर एक फिर से ग्रे लगाना है। इस तरीके से करते हुए हमें पूरा घेरा बनाना है। चलिए बना लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं। एक पट्टी हमारी कम पड़ रही है मस्टर्ड कलर की, एक पट्टी हम और यहाँ पर लगा देते हैं। अब क्या करना है, हम उल्टा करेंगे इसे। उल्टा करने के बाद यहाँ किनारे किनारे पहले सिलाई लगाएंगे और गोले में सिलाई लगाएंगे और इसको बिल्कुल बराबर इसके बुकरम के बराबर ही कट कर लेंगे।
अब इसमें देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले किनारे किनारे गोटा लगा करके लॉक करेंगे। अब ये लेस लिए हमने, इस लेस को हम इसके नीचे इस तरीके से रख के यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगा करके टक करेंगे। हल्का हल्का सा इसे श्रिंक करके चुन्नट जैसी डालते जाएंगे ताकि ये इसमें झूल ना आए। टिश्यू टेप लगा लेते हैं। टिश्यू टेप की जगह हमने गोटा लिया है, इस गोटे को ही हम लगाएंगे। नीफा लगाएंगे, नीफे के लिए हमने और भी पट्टी कट की है। इसे उल्टी साइड से आधा इंची अंदर की साइड मोड़ करके यहां से यहां तक गोलाई में लगाएंगे। ये देखिए टसल्स हमने लगा लिए हैं डोरी में पहले से ही, और डोरी में दोनों सिरों पर टसल्स लगाने के बाद में इसके साथ में सेट करेंगे नेफे के साथ में डोरी को, और इस तरीके से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद एक बार और मोड़ करके सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए घेर हमारा बन गया, चोली बना लेते हैं। चोली के लिए हमने 3 इंची चौड़ा 6 इंची लंबा हमने कपड़ा लिया है, क्योंकि हमारी ये 6 नंबर की ठाकुर जी की पोशाक है। अब इसको एक बार ऐसे मोड़ेंगे लंबाई में, और एक बार मोड़ना है चौड़ाई में इस तरीके से। और ये कॉर्नर जो मुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर हमने 1/2 इंची की करीब ये गले की कटिंग कर देनी है। साथ ही जो ओपन वाली साइड है यहाँ से हल्की सी तिरछी कटिंग देते हुए कमर की गोलाई हमें कट करनी है कुछ इस तरीके की। शेप आ गई हमारी चोली की, पीछे से हमें ओपन रखनी है, पीछे से कट करनी है। अब क्या करना है, अस्तर के ऊपर उल्टा रखेंगे, और उल्टा रखने के बाद ये सिलाई लगा करके इसे यहाँ अंदर अस्तर को कर करके इसको पलट देंगे। पलटने के बाद किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे, अस्तर को इसके बराबर ही कट कर देंगे, और दोनों साइड गोटे की पाइपिंग लगाएंगे। यहाँ इसकी स्लीव्स तक करेंगे। इसके लिए देखिए हमने 1.5 इंची चौड़ी और 4 इंची लंबी पट्टी ली है, ऐसे इस तरीके से मोड़ेंगे, यहाँ पर तिरछा सिलाई लगाएंगे ऐसे करके ऐसे, और पलट लेंगे।
पलटने के बाद इस तरीके से इसे सिलाई लगा ली और यहाँ से यहाँ तक के किनारों पर सिल देंगे। इसे बहुत अच्छा सा लुक इस तरीके से आ जाएगा आस्तीन का। देखिए प्यारी सी चोली बन गई है हमारी और ये हमने पगड़ी बनाई है। पगड़ी हमने बिल्कुल सिंपल बनाई है लेकिन फिर भी ये ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रही है। ये देखिए बहुत खूबसूरत सी ड्रेस बनी है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही यूनिक है, बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी है ड्रेस? पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।